हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं दोस्तों, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, यह बिहार में जो भी परीक्षाएँ आयोजित होने वाली हैं, बिहार में सक्षमता परीक्षा जो आयोजित किया जाने वाला है, तो उसके लिए यह रामबाण है। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो और भी आगे बनाते रहूँगा। और मेरे इस चैनल पे हमेशा सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको अपलोड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बिहार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ, यानी बिहार का नामकरण 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। दोस्तों, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किस सदी में, यानी यहाँ बौद्ध बिहारों की बहुलता हुआ करती थी, तो 12वीं सदी में। यहीं अगर पूछा जाएगा कि भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अगर पूछा जाएगा कि बिहार की स्थिति, यानी भौगोलिक स्थिति, तो बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अक्षांशीय विस्तार, तो इसको याद करने का तरीका है 24, 20, 10 से 27, 31, 15। यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार जो है वह 24, 20, 10 से 27, 31, 15 तक। और यहीं अगर पूछा जाएगा देशांतरीय विस्तार, तो 83, 1950 से 88, 1740 तक है। इसके बाद से देखते हैं कि राज्य की आकृति कैसी है, तो आयताकार है। यानी इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा कि राज्य की स्थिति कैसी है, तो आयताकार। यहाँ फिर से क्वेश्चन हम लोग का बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। और यहाँ पे है कि 22 मार्च 1912 ईस्वी बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन का अधिसूचना घोषणा की गई। इसके बाद 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। दोस्तों, यह पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना। यानी बिहार राज्य की जो स्थापना है 22 मार्च 1912 ईस्वी को होता है, जिसमें आज भी बिहार का स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। इसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। यहाँ बिहार का जो स्थापना दिवस है 22 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल जो है आप लोग याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है बिहार।
कुल जनसंख्या यहाँ 10,40,99,452 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत की कुल जनसंख्या यानी 8.60% है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार है, जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और चौड़ाई यानी पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट 53 मीटर है और औसत वर्षा यहाँ 112 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद से देखेंगे प्रशासनिक विभाजन। प्रमंडल यहाँ 9 है। पूछा जाएगा कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो 9। जिला 38वां अरवल है। अनुमंडल 109 है और प्रखंड सह अंचल 534 है और पंचायत यहाँ 8067 है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा भी गया था बिहार SSC में। नगर निगम 19वां यानी 19वां नगर निगम सहरसा है और नगर परिषद की संख्या यहाँ 88 है, नगर पंचायत की संख्या 154 है। दोस्तों इस तरह से यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बंधु अभी बिहार सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण है। दोस्तों आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट में इसी तरह का वीडियो बनाते रहूँ। इसके बाद से है बिहार की विधायिका यानी पुलिस जिला। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नौगछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके भी देख सकते हैं। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जो सीट है वह 2 है यानी कटोरिया एवं मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं शहर एवं सासाराम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य की चौहद्दी उत्तर में नेपाल देश है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दोस्तों इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया हुआ है कि पश्चिम पूर्वी सीतामधु, इसका ट्रिक देखिएगा अच्छा से सुनिए, आप लोग को अभी याद हो जाएगा कि नेपाल से यानी बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो इसका हो जाएगा कि पश्चिम पूर्वी सीतामधु सुप्रिया किशनगंज गई। इसका मतलब हुआ कि पश्चिम कहे तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी कहे तो पूर्वी चंपारण और सीता सीतामधु यानी सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी, सुपौल से आपका हो जाएगा सुप्रिया बोले अभी तो सुपौल और सुप्रिया तो उसमें अररिया भी आ जाएगा यानी सु से सुपौल और अररिया और कहाँ गई तो किशनगंज गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवदा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। यानी रोहतास के साथ यानी दक्षिण में झारखंड हो गया और झारखंड के साथ 8 जिले। इसके बाद से पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार।
और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश, इसके साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। इसके बाद से राजकीय प्रतीक देखेंगे, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, और राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, और राजकीय पशु बैल, 2030 से पूर्व में रिछ, राजकीय पक्षी गौरैया, 2013 से पूर्व में पखता, और राजकीय मछली मांगुर मछली। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। गीतकार है सत्यनारायण, संगीतकार है हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई वर्ष 2012 में, और बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।